जापान में कितने तरह के बैंक होते हैं जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज का सपोर्ट करते हैं? सबसे पहले तो सिंसे गिंको नाम की जो बैंक है उस पे इंग्लिश सपोर्ट मिलता है। उससे पहले हम जानेंगे कि जापान में कितने टाइप के बैंक होते हैं। मैं एक बैंक के पास भी आ गया हूँ, ये देखिए नॉर्थ पैसिफिक बैंक है, होकुयो गिंको जापानीज में बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे बेसिकली 9 से 10 तरह के ऐसे बैंक से अवेलेबल हैं जिनमें केवल और केवल आपको जापानीज में सपोर्ट मिलेगा, उसके अलावा आपको किसी और भाषा का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको जापानीज नहीं आती है और आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आपको बैंक के जो कर्मचारी लोग हैं सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, या फिर जिस भी कंपनी के थ्रू आप यहाँ जापान आ रहे हैं, और अगर आप स्टडी करते हैं तो जो भी कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आप जापान में स्टडी कर रहे हैं वहाँ के जो वर्कर हैं या फिर वहाँ के जो एचआर मेंबर हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। सबसे पहले नंबर पे आता है जेपी पोस्ट बैंक। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप पैसों का ट्रांजेक्शन या फिर एटीएम से विड्रॉल कहीं भी कर सकते हैं जहाँ पे पोस्ट ऑफिस अवेलेबल है। अगर आपको नहीं पता हो तो बता दे, जापान में जो जापान पोस्ट ऑफिस कॉरपोरेशन है वो प्राइवेट कंपनी चलाती हैं। कुछ ही साल पहले जापानीज गवर्नमेंट ने इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दे दिया था। देखिए उसे पीछे एम्बुलेंस जा रही है, यहाँ पे कू 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 करते हुए जा रही है वो। तो दूसरे नंबर पे आता है सिंसे गिंको, सिंसे बैंक। वैसे सारे लोगों के अपने अपने फेवरेट बैंक होते हैं। अगर कोई मेरे से पूछे कि तुम्हारा फेवरेट जापानीज बैंक कौन सा है तो मैं बेझिझक सिंसे गिंको का नाम लूंगा, क्योंकि जब मैं पहली बार जापान में आया था और वो भी टोक्यो में रह रहा था उस टाइम मेरे को जापानीज बिल्कुल भी नहीं आती थी। और अगर मैं जापानीज अकाउंट खोलने के लिए किसी जापानीज बैंक में जाता तो वो सिंपली मना कर देते। और यहाँ पे हांको का भी झंझट होता है, हर एक लोगों को हांको लेना पड़ता है। मैं अगली वीडियो में बताऊँगा हांको क्या होता है, हांको के बिना आपको अकाउंट ओपन नहीं किया जाता है। तो सिंसे गिंको मेरे एक साउथ इंडियन फ्रेंड ने सजेस्ट किया, और वहाँ पे जाने के बाद में उन लोगों ने हमें अंग्रेजी में बताया कि क्या होता है बैंकिंग सर्विसेज और कितने टैक्सेस लगते हैं और आपको एटीएम वगैरह की सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जाती हैं। तो मैंने कहा ठीक है, इसी बैंक में ओपन करते हैं। तो सिंसे गिंको इसके ब्रांचेस हर एक जगह अवेलेबल है जापानीज मेजर सिटी में। यहाँ पे मैं सप्पोरो में भी आ गया हूँ, या फिर आप किसी छोटे शहरों में भी चले जाइए, उसके नियरेस्ट बिगर सिटी है वहाँ पे आपको सिंसे गिंको का ब्रांच मिल जाएगा। इसका इंटरनेट बैंकिंग आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, तो आप बेझिझक थोड़े बहुत अगर आपको इंग्लिश आती है तो वहाँ से आप अपना ट्रांजेक्शन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर का सिलेक्शन मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास 3 बैंक्स ऐसे हैं जिनको मैं तीसरे कैटेगरी में रखता हूँ, और ये है मित्सुबिशी, मिजुहो और यूएफजे। ये तीनों बैंक जापान के जाइंट बैंकिंग कैटेगरीज में आते हैं, और यहाँ पे भी आप अपना अकाउंट बेझिझक बिना किसी प्रॉब्लम के ओपन कर सकते हैं। आपको बैंक के दिवालिया होने का या फिर किसी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना पड़ता है अगर आप इन बैंक्स में अकाउंट ओपन करते हैं। ज़्यादातर कंपनीज या फिर इंस्टीट्यूट का कनेक्शन होता है नियरेस्ट बैंकिंग ब्रांच से, जहाँ पे वो लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या फिर आप हमारे यहाँ वर्क कर रहे हैं तो इस बैंक में आप अकाउंट ओपन कर लीजिए, ताकि हम आपको पैसा ट्रांसफ़र या फिर आप अगर फी पेमेंट करना चाहते हैं तो इजिली ये ट्रांजेक्शन हो जाए। अब बात आती है छोटे लेवल की बैंकिंग कंपनीज का। वैसे इनको हम छोटे लेवल की बैंकिंग कंपनीज नहीं बोल सकते हैं, इनकी भी कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है, बट जो बड़े जायंट कंपनी होती हैं उससे थोड़े से छोटे होते हैं। इन बैंक्स में होते हैं 7 बैंक्स, बहुत ही पॉपुलर और फेमस बैंक हैं। 7-Eleven कन्वीनियंस स्टोर हैं जापान में, इनका एक चैन है, लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा चैन अवेलेबल हैं। तो
उनका एक अपना बैंक होता है और उनके हर एक स्टोर में एटीएम की सर्विसेज अवेलेबल होती है, जहां से आप विड्रॉल भी कर सकते हैं या फिर आप पैसा सबमिट भी कर सकते हैं। आपको किसी तरह की ऑफलाइन पासबुक वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक वैसे अगर आप राकुतेन बैंक की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो राकुतेन का भी एक लंबा सा चैन है, उस चैन के थ्रू भी आप अपना बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। इसके बाद भी और छोटे छोटे चैन अवेलेबल है, जैसे कि लॉसन में भी बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे चैन होते हैं, इनकी मेन गोल होता है आपको ऑनलाइन सर्विसेज इफेक्टिवली और आप जहाँ भी चाहें वहाँ आप अवेल करें इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करना।